तो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सोच रहे होंगे कि आज मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो भाई, ये है पैठानी का एरिया और आज हमारा फर्स्ट डे है और कॉलेज में क्या क्या परफॉर्मेंस होने वाली आज, वो सारा आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। तो आज बीएड का फर्स्ट डे है, जाते जाते सोचा कि आज ब्लॉग बनना चाहिए। वैसे ब्लॉग बनाने का टाइम तो नहीं है, पर आज कॉलेज में फंक्शन है तो इसलिए ब्लॉग बनना चाहिए हमारे हिसाब से। तो ये जो पूरा गांव आपको देखने को मिलेगा, ये पैठानी का एरिया है। बहुत मज़ा आता है यहाँ पे, और यहाँ पे हम स्पेशल क्या बोलूँ मैं, मतलब रेंट पे तो रह रहे हैं, पर कोई हमारे दूर के रिलेटिव है, वही खाना वगैरह सब वही करवा रहे हैं। तो ये भी है कि हमारे पास टाइम बच रहा है, इतना उतना हम अपनी पढ़ाई पे भी लगाएंगे। आज आज का कॉलेज का जितना फंक्शन होगा आपको सब देखने को मिलेगा। चलिए चलते हैं अभी कॉलेज की तरफ। अब आप सोच रहे होंगे ना यहाँ पे क्या है, देखो मैं दिखाता हूँ। ठीक है, ये है पार्किंग और यहीं पे गाड़ी पार्क होती है। यहाँ से कम मतलब 5 या 10 मिनट का रास्ता है। अगर हम गाड़ी की बात करें ना तो 5 मिनट का रास्ता है। अभी पता टाइम कितना हो रहा है, अभी 9:30 से ऊपर हो रहा है। वैसे कॉलेज हमारा 10 बजे से होता है, पर आज उन्होंने हमें 10:30 बजे बुला। मतलब पैठानी में मैं बताऊँ आपको, ज़्यादा खुला एरिया तो नहीं है, बट अगर हम बात करें यहाँ के व्यू की तो व्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा है यहाँ अंदर। और बाकी चीड़ के पेड़ है सामने, पूरा वही है। बट यहाँ पे मैंने जब मामी लोगों को पूछा ना कि मतलब गाय वगैरह के लिए घास, तो उसकी कमी है यहाँ पे। उनको पैसे दे के वो घास को मंगाते हैं, फिर वही हो जाता है ना मेन। अब घास तो मतलब कहाँ है, सूखा जंगल पर है, और हमारे गांव साइड है तो वहाँ बहुत ज़्यादा घास होती है। ठीक है, दर्शक बने। अगर इन प्रश्नों का उत्तर आप ढूंढेंगे तो पाएंगे कि ये सारी चीजें हमारे पाठ्यक्रम में निहित है।
तो जब हम फर्स्ट सेमिस्टर में आते हैं तो हमारा फर्स्ट सेमिस्टर में या आपको पता होगा कि हमारा ये CBCS कोर्स है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जिसमें हमको आवर्स के हिसाब से, घंटों के हिसाब से हमको अपने क्रेडिट को डिवाइड करना होता है। कि आपके टीचर्स आपको भली भांति बता देंगे क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि मैं आपके टीचर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, बस तो यहाँ पर सारी फैकल्टी बैठी है, कि कम से कम हर टीचर को हर सब्जेक्ट में जो जितने भी पेपर्स हैं अपने स्टूडेंट्स को दो दिन एटलीस्ट सिलेबस को समझाने में, उनके साथ डिस्कशन में दीजिए। हम क्या करते हैं, बच्चों को सिलेबस पकड़ा देते हैं और कहते हैं कि आज से आपका कोर्स शुरू हो रहा है। नहीं, सबसे पहले हमको उनके सिलेबस को दो दिन तक नहीं, तीन दिन तक नहीं, चार दिन तक नहीं, जब तक कि वो प्रॉपरली उसको अंडरस्टैंड ना कर लें, तब तक हमें उनके साथ सिलेबस को लेकर डिस्कशन करना होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ क्योंकि जब तक बच्चे को आपका सिलेबस समझ में नहीं आएगा तब तक वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाएगा। उसको लगता है कि एग्जाम के लिए मुझे तीन चार पढ़ना है बस। नहीं, आप उनको सिलेबस की हर यूनिट के हर बुलेट को समझाइए, उनको प्रैक्टिकम समझाइए, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रैक्टिकम, आपको असाइनमेंट बताइए क्या असाइनमेंट का रोल है, आपका जो सेशनल होता है उसका क्या रोल है। मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि आपका जो पेपर का जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेपर है वो दो है, 30 और 70 मार्क्स का, 30 फॉर इंटरनल और 70 फॉर एक्सटर्नल। अब आप देखिए कि आपके सर लोगों ने बता दिया होगा जो 30 मार्क्स आपको दिए गए हैं फॉर इंटरनल, उसको आप यूं ही मत लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत सारी एक्टिविटीज उन 30 नंबरों में करना है, जिसमें आपका सेशनल भी है, आपका असाइनमेंट भी है और आपका प्रैक्टिकम भी है। प्रैक्टिकम और प्रैक्टिकल दोनों अलग चीजें हैं। प्रैक्टिकम वो है जो कि हम किसी भी कार्य को जो आपके पास प्रोग्राम पूरा दिया गया है, जो सिलेबस दिया गया है, उसी में से प्रैक्टिकम को ट्रेस आउट करते हैं और उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसमें रखते हैं। जैसे फर्स्ट सेमिस्टर है आपका, जो फर्स्ट सेमिस्टर के बच्चे हैं, उसमें प्रैक्टिकल में माना आपका एक पेपर है कंट्रोल क्वेरी, जो अभी मिश्रा जी आपको बता रहे थे समकालीन शिक्षा, उसमें आपके पास बहुत सारी पॉलिसीज और बहुत सारी कमीशन है, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जाम्पल कह रही हूँ, माना मैंने आपको प्रैक्टिकल में आपके पास है कि टू इवैल्यूएट द पॉलिसी या टू रिव्यू द पॉलिसी। अब बच्चा क्या करता है, आज का यंगस्टर, आज का यंग बच्चा जो बहुत ज्यादा, मतलब मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी ने आपको बहुत ज्यादा विकास भी दिया तो विनाश भी दिया, इस बात से आप एग्री करते हैं, और एजुकेशन के फील्ड में टेक्नोलॉजी ने हमको बहुत ज्यादा हार्म दिया है, ये मैं 100% आपको प्रूव करके बता सकती हूँ कि ये बात सच है। उसका नतीजा है कि हम आपको असाइनमेंट देते हैं, हम आपको प्रैक्टिकल देते हैं, आप गूगल में जाते हैं और उसको एक कर्सर दबाते हैं और उसको घड़ा घर उसको निकाल के और अपना प्रैक्टिकल एक दिन में तैयार कर लेते हैं। जो काम आपको 15 दिन में करना था वो आप एक दिन में करते हैं। तो नेचुरली आपको ये पता होना चाहिए ट्रेनिंग का वो 6 to 8 यानी 6 से 8 तक के बच्चों को तैयार करना, के लिए तैयार करना। हमारे पेडागोजीज में यही है कि हमें अपने सोशल साइंस, साइंस और आपका लैंग्वेज जो है दीन, उन पर हम, उन पेडागोजीज पर हम अपनी 2 week प्रोग्राम्स करते हैं। उस प्रोग्राम को हमने 2 भागों में बांटा है, एक आपका माइक्रो टीचिंग है और एक दूसरा आपका सिमुलेटेड टीचिंग है। माइक्रो माने सूक्ष्म शिक्षण, जिस अब मैं इसको ज़्यादा ही नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरे पास समय कम है शायद ना, और थोड़ा सा लंबा ज़्यादा है क्योंकि मुझे थर्ड मेन सेमिस्टर तो आएगी, थर्ड जिस पर हमें चर्चा करनी है, तो इसमें केवल 2 week आपका प्रोग्राम होता है, 2 week का, जिसमें आपको किसी स्कूल में जाकर ट्रेनिंग लेना होता है। और उसमें आपको माइक्रो टीचिंग माने हमको, आप पता नहीं कितना रखते हैं, हम लोग 5 रखते हैं आपके पास, 5 ही स्किल के थ्रू, हम एक स्किल के थ्रू हम कैसे, यानी एक अगर हमने प्रविधि लिया क्वेश्चनिंग प्रविधि, उसी प्रविधि पर हम आपको एक पूरा लेसन 5 दिन तक से
प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं। आपको पता है जिग-जैग मेथड हमारे पास है, प्रश्नों का एक कंस्ट्रक्टिव मेथड है। प्रश्न जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पाठ योजना का। आपका प्रश्न बनाने का तरीका जो है वो आपके व्यक्तित्व को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे प्रश्न आप बनाएंगे आपका टैलेंट, आपका इंटेलिजेंस या चमक कर आता है कि आप इसके प्रश्न बनाते समय अपने दोस्तों का सहारा लीजिए। बच्चे क्या करते हैं, जैसे माना चाय की खेती पढ़ा रहे हैं और वो चाय में चाय निकालना चाहे, तुम सुबह सुबह क्या पीते हो, ये प्रश्न होता है बच्चों का। तुम सुबह सुबह, अब जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे हो वो आपके भी गुरु हैं, वो कहते हैं सुबह 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 तो पानी पीते हैं, जूस पीते हैं, और क्या पीते हो, और लस्सी पीते हैं और मट्ठा पीते हैं, वो चाय नहीं बताएंगे आपको, तो आप सुनना चाहते हैं। ऐसे प्रश्न मत पूछिए, ठीक है। प्रश्न ऐसे पूछिए जो आप पूछिए बच्चा सटीक उसका आंसर दे, क्लियर शॉर्ट और आपका अप टू नॉलेज। क्या क्यों इससे प्रश्न स्टार्ट नहीं होने चाहिए, कंट्रोवर्शियल नो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस। तो ये आपका सेकंड सेमेस्टर का हो गया। सेकंड सेमेस्टर में आपके पास ईपीसी नहीं है, केवल आपके पास दो वीक की। मैं आगे आमंत्रित कर रहा हूं आप सभी को। बहुत बहुत आभार भी है और धन्यवाद भी है कि आपने इतने शानदार आयोजन को यहाँ पे संपन्न किया है, और साथ में हमारे छात्र छात्राएं जिनकी पूरी मेहनत से, जिन्होंने इस हॉल को जो कि पिछले कई महीनों से बंद था, उस हॉल को फिर से सजाने संवारने का, इसको स्वच्छ बनाने के लिए जो कार्य किया है उसके लिए मैं बहुत बहुत उनका अभिनंदन करना चाहता हूं, और साथ में उनको बधाई प्रेषित करना चाहता हूं कि उनके प्रयासों से। तो फ्रेंड ये था हमारा आज का ब्लॉग, जिसमें हमने अपने फर्स्ट डे का वीडियो दिखाया और मैम लोगों का जो भी वहाँ पे स्पीच थी, जो भी उन्होंने हमें स्किल्स डेवलपमेंट के बारे में बताया और जो हमारा ज्ञान है शिक्षा से संबंधित बातें बताई, तो उससे हमें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिला और हमने उसे काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्ब किया कि ये सब होना बहुत ज़रूरी है एक टीचर के लिए। एक टीचर का फ़र्ज क्या होता है वो सब हमने जाना, और मैम लोगों ने बहुत अच्छे से गाइड किया हम लोगों को। बीएड करना क्या होता है, बीएड करना मतलब हम एक स्टूडेंट नहीं है, हम एक शिक्षक है,
मतलब पूरा शिक्षक भी नहीं बोलेंगे, शिक्षक है जो मतलब शिक्षक बन जाते हैं तो वो पूरा शिक्षक आ जाता है। और अगर हम बीएड कर रहे हैं तो हम एक शिक्षक है, हम एक छात्र से अलग है। यहाँ पे बात आती है सबसे मेन रिस्पेक्ट, डिसिप्लिन और हर किसी के साथ व्यवहार अच्छा, बच्चों को कैसे गाइड करना है, ये सब हमें यहाँ पे सिखाया जाएगा। और हमें सबसे मेन बात ये है कि हमें खुशी किस बात की है, हमें खुशी इस बात की है कि हम जो चीज़ करते हैं ना उसी में हम चले गए हैं। और यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि इन सारे जो भी काम हमें यहाँ पे बताया जाएगा बीएड के बारे में कि या शिक्षा के बारे में हमें जो भी चीज़ बताई जाएगी तो वो हम बहुत अच्छे से कोशिश करेंगे कि उसको एब्जॉर्ब करें, धारण करें। और फिर ऐसे ही आपसे मिलते रहेंगे और आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो यार इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।